जिलों में तेज हवा के साथ बारिश और ओले गिरने से फसलों को हुए नुकसान को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि किसान भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है और केंद्र और प्रदेश में गांव गरीबों और किसानों की भाजपा सरकार है। कलेक्टरों को तत्काल सर्वे करवाने के निर्देश दिए गए हैं। तेज हवा के साथ बारिश होने से फसलें हानि हुई, कई जगह ओले भी समाचार में मिले हैं। किसान भाइयों, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कमल के फूल की सरकार है, गांव गरीब और किसानों की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री सरकार के निर्देशन मार्गदर्शन में सरकार चल रही है। हमने तत्काल सभी कलेक्टरों को जहां जहां बारिश हुई है या ओले से फसल नुकसान हुआ है निर्देशित कर दिया है कि तत्काल एक टीम बनाई जाए कृषि और राजस्व विभाग की, और बीमा कंपनी को भी निर्देशित कर दिया है कि वीडियोग्राफी कराकर एक एक गांव के एक एक किसान के जहां भी फसल को नुकसान हुआ उसका सर्वे करें, लेकर यह आकलन करें और तत्काल राहत देने का काम। मध्य प्रदेश के अंदर किसान की जो हालात है, कमर टूट चुकी है। लागत 10 गुना होने के बावजूद डीजल की कीमतें, खाद की कीमतें, डीएपी की कीमतें, दवाइयों की कीमतें और बच्चों की तरह पाली हुई फसलें और जो दहलीज के ऊपर खड़े हुए सूद भरोस को देख के किसान आज चकरा चुका है। जो फसलें खड़ी हुई थी जिसका कलर देख के किसान की रंगत आई हुई थी, वो रंगत आज उजड़ चुकी है और कहीं ना कहीं किसान जिस स्थिति में है, पहली फुर्सत में 40,000 रुपए हेक्टेयर का मुआवजा किसानों के खाते में जा।